अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां बाइक एजेंसी मनगवा में फिर एक युवक के साथ संचालक की पत्नी शशिकला गुप्ता एवं इनके पति राम नरेश गुप्ता के साझा प्रोग्राम से ठगी का शिकार हो गया। युवक से मोटरसाइकिल फाइनेंस के नाम में 15,000 जमा कराकर हड़प लिया गया है। इस घटना की शिकायत धोखाधड़ी का शिकार हुआ युवक गढ़ थाना क्षेत्र निवासी पंडवा गांव का रहने वाला है, जिसका नाम मोहम्मद आविद खान बताया जा रहा है। नरेश मोटर्स बजाज गाड़ी एजेंसी मनगवा में यहां से ठगी का शिकार हुआ युवक मोहम्मद आविद खान ने इस घटना की सूचना लिखित रूप से मनगवा थाना को देते हुए आरोपी नरेश मोटर्स के मालिक राम नरेश गुप्ता एवं पत्नी शशिकला गुप्ता के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कराने की मांग की है। फरियादी ने अपनी शिकायत में लिखा है कि 125 सीसी गाड़ी देने के लिए 1,14,000 का कोटेशन दिया गया था और मार्जिन मनी 15,000 जमा कराई गई थी। शेष पैसा फाइनेंस के लिए कहा गया था, लेकिन 8 दिन बाद नरेश मोटर्स की पत्नी शशिकला गुप्ता ने यह कहकर अपने शोरूम बुला लिया कि गाड़ी का 46 नंबर लिखना है। इसके बाद जब गाड़ी एजेंसी गई तो नरेश मोटर्स की पत्नी ने कहा कि अब मार्जिन मनी 40,000 चाहिए, इसके बाद ही गाड़ी यहां से जाएगी। फरियादी ने अधिक पैसा देने पर असमर्थता जाहिर की। इसके बाद यह समझौता हुआ कि गाड़ी का 15,000 रुपए वापस कर दिया जाएगा, लेकिन 15,000 रुपए सालों का समय बीत जाने के बाद वापस नहीं किया गया। बजाज कंपनी के नाम पर धोखाधड़ी की गई है। एक तरफ बजाज मोटरसाइकिल कंपनी को विश्वसनीय कंपनी बताया जा रहा है, तो दूसरी तरफ यहां पर बजाज गाड़ी के नाम पर ठगी की जा रही है। इस तरह घटना को अंजाम देकर ठगी कर लिया गया। फरियादी ने बताया कि जिस वाहन को हम लेकर 8 दिनों तक अपने पास रखे हुए थे, चाबी भी नंबर है 8254, वहीं अभी तक नरेश मोटर्स के द्वारा पैसा नहीं दिया जा रहा है। फरियादी ने बताया कि इसी तरह की नरेश मोटर्स की पत्नी के द्वारा ग्राहकों को फंसाकर ब्लैकमेलिंग की जाती है। पहले कम पैसे में गाड़ी दे दिया जाता है, इसके बाद अधिक पैसा मार्जिन मनी के रूप में मांगी जाती है और पैसा ना देने पर गाड़ी को अपने पास जबरन रख लिया जाता है। धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए आरोपी नरेश मोटर्स एजेंसी के मालिक राम नरेश गुप्ता एवं पत्नी शशिकला गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ गिरफ्तारी की भी मांग की है। फरियादी का कहना है कि हमारे मेहनत का पैसा है और इसे हड़प लिया गया है, पुलिस चौकी की कार्यवाही करे। उल्लेखनीय है कि इसके पहले भी नरेश मोटर्स एजेंसी में इस तरह की घटना हो चुकी है। रघुराजगढ़ पलिया निवासी दीपक पटेल के साथ भी ठगी इसी तरह की हुई थी, जिसकी जांच अभी भी पुलिस कर रही है। इसी प्रकार आरोप है कि इस एजेंसी में पूरा नकली काम किया जाता है, नकली स्पेयर पार्ट्स बेचे जाते हैं एवं मूवी ऑयल डुप्लीकेट बेचे जाते हैं और एजेंसी के मालिक मालकिन के द्वारा तमाम तरह के धोखाधड़ी के घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। मोहम्मद मूवी ने कहा है कि यदि समय रहते हमारी कार्यवाही नहीं हुई तो हम धरने पर बैठेंगे। मोहम्मद आबिद, क्या हुआ? सर, मैं बजाज कंपनी से गाड़ी लिया था। कहाँ से? नरेश मोटर्स मनगवा से। सर, मेरे साथ घटना हुई है, मैं बाइक लिया था तो मैं बाइक ले गया था घर। इसके बाद मैं मार्जिन मनी 15,000 रुपये दिया था। मैं 8 दिन बाइक को रखा था। इसके बाद मेरे को बुलाई कि चेसिस नंबर इंजन नंबर लिखना है। इसके बाद यहाँ पे मैं बाइक ले गया तो मेरी बाइक एजेंसी में खड़ा करा लिया गई और इसके बाद बोलती है कि अब 40,000 जमा करोगे तो बाइक मिलेगी नहीं मिलेगी, तारीख पर तारीख दे रही है। अब आते हैं तो बोलती है कौन सा पैसा तुम्हारा, काहे का पैसा, अब पैसा मांगूंगी तुम्हारे साथ मैं गलत कर दूंगी, जाकर थाना में FIR करा दूंगी कि मेरे साथ गलत करता है। NS 125 CC। अब आप क्या चाहते हैं? मैं हिसाब चाहता हूँ सर, मेरा पैसा लौटाया जाए, मूल ब्याज सहित मेरा पैसा मुझे दिया जाए।